तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर तो आई है भाई, आज हम पत्नी टॉप में हैं, मतलब अभी पहुंचे नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर है। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना, ये देखो भाई, पीछे जितनी भी बसेज आ रही है ना, सारी स्कूलों की पिकनिक जा रही है और वो जा रही है पत्नी टॉप। कितने सारे बाइकर्स आ रहे हैं पत्नी टॉप, पता क्यों नहीं गए? क्योंकि अर्श भाई ना मेरा स्लीपिंग बैग लेके आ रहा है दिल्ली से, वो ना पहुँचा ही नहीं है, मतलब वो पहुँचेगा आज। अरे ऐसा भाई, वो ना आज शाम को पहुँचेगा और मतलब फिर हम ऊपर चले जाते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए हमने ना यहीं पे सोने का निर्णय लिया। और यहाँ पे इतनी ठंडी थी ना रात को, मतलब दो दिन पहले बोला था ना, मतलब आने वाले टाइम में हम ठंडे वाले एरियाज में पहुँच जाएंगे, कुछ ऐसा ही है। और मैंने सोचा पहले ना नहा के अच्छी वाली शक्ल के साथ ही वीडियो स्टार्ट करूँगा तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई, यहाँ पे ना एक झरना है, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको झरना भी दिखा पाऊँगा। ठंडे पानी से नहाने वाले हैं और शाम तक पहुँचेंगे पत्नी टॉप, यहाँ से 20 किलोमीटर है, फिर शाम शाम तक पहुँचेंगे। शाम तो लगी जाएगी, आज ऐसा जाएंगे और शाम को हम खुद सेल्फ कुकिंग करने वाले हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का दिन शुरू करते, लेके कान्हा जी का नाम, जय हो कान्हा जी की। एंड भाई कितने सारे स्कूल की ना पिकनिक जा रही है और यहाँ का टेम्परेचर पता कितना है? 15 डिग्री टेम्परेचर है भाई, मतलब इतना ठंडा है यार यहाँ पे। जी तो भाई मज़ा आ रहा है, मैं तो भाई सुबह जल्दी उठ गया, मैंने अपना टेंट शेंट पैक करके योगा भी कर लिया। जी तो भाई थोड़ा लेट हो गया, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि धूप में टेंट लगाओ, इसके अंदर ना गर्मी लगती है। हाँ जी, 10 मिनट पहले हाँ। सभी को नहीं बताना था यार जी जगह बड़ी अच्छी थी यार, घास मूस था, इसके ऊपर सोने का मजा ही कुछ हो रहा है। भाई मैंने बोला था ना आगे जाके ना वाटरफॉल झरना है छोटा सा, इतना ठंडा पानी है ना, इतना हमने सोचा भी नहीं था सच्ची यार। कल तक भाई मैं और जीतू भाई ऐसे नॉर्मल पानी से नहा रहे थे और इस वाले पानी के नीचे एक मिनट खड़े होते हैं ना भाई, ऐसा लगता है कम ही होना शुरू हो जाएगी। सच्ची भाई मजा आ गया, सुर खुल गए भाई, दिन की शुरुआत ही नहीं मस्त वाली हुई है, एंड दिन का एंड भी ना मस्त वाला होगा जब शाम को हम ना सारो तीनों भाई ना मिलके ना खाना बनाएंगे, एक मस्त वाला अच्छी सी डिशेस बनाएंगे। चीना आपको माननी पड़ेगी, गमंड तो भाई कति नहीं है मेरे में। देखो इंडिया का कितना बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा, पता ही नहीं है कितना बड़ा है। देखो कितनी सिंपल लाइफ है, धोती पहनी हुई है, नीचे जूते पहने हुए हैं, एंड कुछ ऐसी लुक है भाई, मतलब पूरा ना दलजीत दोसांझ वाली लुक कॉपी करी है, वो भी सेम ऐसा जाता है ना अपने बड़े बड़े कंसर्ट शो में, सेम वैसा वाला कॉपी कर लिया। सही है ना, अच्छा लग रहा है। यू तो भाई है ना, हाँ बढ़िया। इसका पता क्या फायदा है? मतलब नहाए तो एज ए तौलिए यूज कर लिया, फिर साफ कर लिया शरीर, सबसे अच्छा फायदा है 2 हाथ के साथ सूख जाता है। हाँ, और भाई सुबह सुबह नाश्ते में मैं और जीतू भाई खा रहे हैं कौन से हैं, प्याज और आलू वाले परांठे, कुछ ऐसा ही है। साथ में मेरा फेवरेट वाला दही और जम्मू के फेमस राजमा, कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है भाई लोग, अभी ना निकलने का टाइम हो चुका है, यहाँ पे ना 11:20 दिखा रहा है, पर ये ना पूरा आधा घंटा पीछे है। और भाई धोती पहन के चल रहा हूँ ना, थोड़ा डाउट भी लग रहा है कि धोती निकल के ना टायरों के बीच ना घुस जाए, पता चले मेरा पूरी कमर ही टूट गई। चलो भाई चलो, तो विमान कोलाहल हो, जय रघुबीर कह सब कोई। चलो मेरे दोस्त, चलो आपको ना एक लॉजिक आ रहे दिख रहा है ना, पिकनिक जा रही है भाई सारी, पर पिकनिक में दादी कैसे जा रही है? अच्छा ये लोकल बस है भाई, ठीक है बाबा जी फिर मिलेंगे जी। अरे भाई अपने जम्मू जैसे लोग नहीं है भाई, जहाँ मर्जी घूम लो। अरे गाड़ी वाले रुक जा, अपने जम्मू जैसे लोग नहीं है सच्ची। जैसे हम नहाने के लिए गए थे ना पहले भाई, वहाँ पे ना गूगल पे नहीं लेते वो अंकल जी, पहले उन्होंने हमें ना नहाने के लिए झरना दिखाया, फिर हम उनकी दुकान पे सामान लेने के लिए गए, पेस्ट और जीतू भाई ने लिया, एक ब्रश लिया, एक कोलगेट ली एंड एक साबुन लिया, मतलब उनके पास गूगल पे नहीं था, तो उनको हमने बताया कि हम ना पीछे रुके हुए हैं भाई, मतलब उन्होंने उधार कर लिया, पहली बार मिले हैं, मतलब कुछ सेकंड हुए मिले हुए, उन्होंने उधार भी कर लिया, अभी जाते टाइम पैसे देने हैं उनके। ऐसा ना हो कि भाई उन्होंने इतना विश्वास करा है तो विश्वासघात हो जाए, मतलब नेक्स्ट टाइम किसी भोले वाले बंदे के साथ चीट हो जाए, कुछ ऐसा ही है। क्या बोला मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आया। तो भाई सामने मैं आपको बता दूँ पत्नी टॉप कहाँ पे है, वो सामने दिख रहा है ना वो वाला पहाड़, एक सेकंड वो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, उसके टॉप के ऊपर जाना है आज हमें, और शाम को खुद कुकिंग करनी है। और अर्श भाई देखते हैं क्या क्या सामान लेके आ रहा है, मतलब अर्श भाई की हालत पता कैसी है, मतलब इस टाइम ना वो हमारे लिए इतना सामान लेके आ रहा है, मतलब जैसे वो आता है ना और टूटा पज्जा लोहा ले लो, सेम ऐसी वाली कंडीशन है, मतलब बोरू शोरू बांध के आ रहा है वो, तो मैं शाम को आपको दिखाई दूंगा, मतलब हमारा सामान लेके आ रहा है ना, थैंक यू भाई उसका। और वो देखो भाई जैसे मिजो वाली साइड होता है ना, डिब्बे लगे होते हैं, मतलब सामान लो और पैसे डाल दो, वो सेम इधर भी प्रोसीजर है।
जब मुंह की तारीफ कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो भाई शाम को ना पैग मारने वाले यहाँ से खीरा मूली सब उठा के लेके चले जाएंगे, वो बोलेंगे भगवान के नाम का मिल रहा है यहाँ पे फ्री वाला, और जे वाली दुकान है यहाँ पे हमें पैसे देने हैं। वो अंकल जी ना वेट कर रहे होंगे कि लड़के भाई सुबह से आए नहीं, शायद भाग चुके हैं, 50 रुपये का सामान होगा शायद कुछ ऐसा ही है, पर दे देते हैं यार। वो अंकल जी हैं जो बाल्टी लेके आ रहे हैं। जी तो भाई छुट्टे पैसे लेके आया है? छुट्टे पैसे निकालने पड़ेंगे अभी, है ना? थैंक यू भी बोल देना, उन्होंने इतना विश्वास करा हम। चलो जी, माँ कसम ये पहला बंदा है, अभी 100 मीटर आया आगे बोला चाय पीनी। अभी मतलब एक तो हम 12 बजे निकल रहे हैं, रात को ये बंदा ना एडिटिंग नहीं करता, और मैंने एडिटिंग करके इसका 2 घंटे वेट करा है। हाँ जी, पर मैंने देखे सुबह करी है, 11 बजे से पहले वीडियो भी आ चुकी है, मतलब लोगों को ना ज़्यादा वेट नहीं करवाया मैंने। वैसे इसका नाम पत्नी टॉप है, पत्नी टॉप एक ऐसा नाम हुआ यार यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा ही है। और मेरी मामी को जब लास्ट टाइम पूछा गया था ना कि पत्नी टॉप गए हो, मामी बोलती क्या करना है वहाँ पे, पेड़ पौधे ही हैं और बस पहाड़ ही हैं। भाई पेड़ पौधे पहाड़ तो हैं, साथ में ये ठंडी वाली जगह है। चलो यार, नाम पत्नी के नाम पे है, पर मैं और जीतू मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, पर बिना पत्नी के ही आ गया, कुछ ऐसा ही है। ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए भाई, पत्नी टॉप इसका नाम होना चाहिए, शड़ा टॉप। यहाँ पे शड़े बंदे आ रहे हैं, बैचलर बंदे आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। और भाई सेम ना इन्होंने वैसा ही बनाया, पर बच्चों के लिए बड़ा सही है यार, बच्चे देख इन्हें खुश है अंदर। सेम इन्होंने ना वैसे, एक मिनट अंदर देख, अरे पीछे आर्मी वाला एरिया यार, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, एक सेकेंड। चलो मैं भी थोड़ा पास जाके देख लेता हूँ। ओ भाई सारी लड़कियाँ मेरे को देख रही हैं कि ये धोती वाला बंदा कौन आ गया है। मैं कैसे बताऊँ कि मैं लोकल ही हूँ, बस धोती ऐसे पहनी हुई है। चलो भाई दिख रहा है ना आपको जहाज़ पूरा, भाई पूरा इन्होंने ऐसा बनाया जैसे हम चेक इन करते हैं ना जहाज़ के अंदर चढ़ते हैं, वो ऐसी वाली एक ट्रॉली लगी होती है हमें जहाज़ के ऊपर लेके जाने के लिए, सीढ़ियाँ लगी होती है, सेम ऐसा ही है। जहाज़ का नाम तो मेरे को नहीं पता, बट देखो कितना बड़ा है, कितना सही लग रहा है ना। चलो भाई चलते हैं, पता चले कि उन्हें कोई घुसपैठिया है। चलो मेरे दोस्त। और भाई आज संडे है ना, सारे जम्मू वाले यहाँ पे आ रखे हैं, जो पूरा हफ्ता मतलब, अरे भाई इसके अंदर जो काम करने वाले हैं ना, मतलब उन्होंने एयर होस्टेस वाली ड्रेस पहनी हुई है, वाह यार। और मैं बता रहा था, मैं बता रहा था आज संडे है ना, तो सारे जम्मू वाले भाई यहाँ पे घूमने आ रखे हैं, क्योंकि जम्मू में भी टेम्परेचर 44 है ना भाई। अभी ना अपने साथ छोटा सा पोपट हो गया, मतलब मजाक हो गया, एक अपना सब्सक्राइबर भाई जी मिले थे, मतलब मैं ना ऐसे बन के घूम रहा हूँ ना, ऐसे लोकल ही हूँ, मतलब खुली खुली टी शर्ट पहनी हुई है जो गर्मियों में पहनते हैं, लुंगी पहनी हुई है नीचे, दिख रही है ना, ये तो मैंने सुबह दिखाई है। मतलब कोई बोल रहा था भाई बाइक तो एक राजपूत की है, बट एक राजपूत कहाँ है, मैं सामने बैठा हूँ भाई, मेरे को देख के नहीं पहचाना भाई, बोले सोचा हमने लोकल बंदा ये ऐसे घूम रहा है, मतलब लुंगी शुंगी पहन के, वो ट्रक वाला होगा, ट्रक वालों का रहता है ना फ्री स्टाइल, घूमते रहते हैं, अपनी गाड़ी अपना कैबिन है उनका, तो भाई कुछ ऐसा हो रहा है अभी। पर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, खुला खुले कपड़े पहने हैं ना, मतलब ट्रैवलर की पूरी परिभाषा चेंज कर दी मैंने, है ना। बाकी ये अच्छा है, टेंशन ही नहीं है, पर हमें लग रहा था हम अकेले ही हैं जो निकल रहे हैं इस वाले रूट पे, पर भाई बहुत टूरिस्ट है ना, पर यहाँ पे हमें रहना है ना, वहाँ पे कोई नहीं आएगा, डोंट वरी, हमने साइड पे जगह ढूंढी हुई है। ओए कुदर जाने तुसी, कुदर चले, ज्यादा बर्फ में रहने से बड़े बड़े बाल होते हैं ना। तो भाई मैंने ओ भाई सामने देखो, लोगों ने जैकेट भी पहनी हुई है, और यहाँ पे मक्की भी चल रही है भाई भून के, ठीक है भाई, आगे वाली साइड टेस्ट करेंगे। और आपको बताया ना, मैंने कल भी बताया था, जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं ना, तो हमारा ना एक रूल होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोपहर को ना एक बार चाय पीनी होती है। वैसे मैं ना चाय पीता नहीं हूँ,
पर यहाँ पे मैं बनवाता हूँ ना चाय, मतलब अभी जैसे दुकान पे बोलेंगे उसे बोलेंगे भाई चीनी ना कम डालना, पर चाय पीना तो बनती है भाई। देखो यहाँ पे ना, अरे लोगों ने भाई मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, इस लड़के ने तो नहीं पहने हुए हैं, मतलब जो एंकल यहाँ पे बेच रहे हैं ना, देखो कितना कुछ बिक रहा है यहाँ पे, खुमानी बिक रही है यहाँ पे, फिर वो मक्की होती है ना वो भी रेडी हो चुकी है, और भी काफ़ी कुछ है, प्याज बिक रहा है, लहसुन बिक रहा है भाई बहुत सारा, और लहसुन से ज़्यादा है। शाम को हमें कुकिंग करनी है ना, अर्श भाई ने ना चावल लिए हैं ना फिर आटा लिया है, मतलब भूल गया होगा, तो उसे ना अभी कॉल करके बोलना है कि भाई जो चीज़ें तेरे पास नहीं है ना, या तो हमें व्हाट्सएप कर दे या फिर बता दे। और अभी अपना सफ़र बचा है वो 7 किलोमीटर भाई है भाई अपना पत्नीटॉप, और यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना सची यार बाइक के ऊपर, मतलब साइड पर खड़े हो जाएंगे ना फिर ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि बाइक के ऊपर ना भाई जम्मू वाले ना कैमरे फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, मतलब जब भी कोई मिलता है ना हेलो हाय करता रहता है, आजकल सभी को पता है ना ब्लॉग बन रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो इसलिए कोई भी शर्माता नहीं है, चलो ये बात अच्छी है। और अभी चाय के लिए दुकान ढूंढते हैं, पहले जीतू भाई 2 बार मेरे को बोल चुका है, मैंने बोला कोई अच्छी वाली दुकान ढूंढता हूँ यहाँ पर टपरी हो, क्योंकि टपरी पर ना अच्छी चाय बनती है, और लोकल बंदा ना घर से दूध लेके आता है, क्योंकि वो बाहर से लेगा तो उसे क्या बचेगा, सही है ना। तो भाई लोग सबसे पहले ना आपका स्वागत है पत्नी टॉप में, जो पहले वाला एरिया था ना नीचे वाला वो है लोअर कुद अपर कुद, वहाँ की ना मिठाई बड़ी फेमस है, पतीसा बड़ा फेमस है, और अभी हम पहुंच चुके हैं पत्नी टॉप में, मतलब सीन देख के पता चल रहा होगा भाई ठंडा वाला चिल्ड वाला वेदर है, चिल्ड वाला मतलब इतना ठंडा है कि जितना एसी से ठंडी हवा निकलती है ना, गर्म क्यों बोल रहा हूँ, ठंडी हवा निकलती है ना सेम बैसी वाली हवा चल रही है। 16 बजे पता नहीं, हमारे घर एसी नहीं है, 16 रहता है 15 रहता है। ठीक है भाई, अभी ना चाय के लिए दुकान भी मिल चुकी है, एंड यहाँ से जो नज़ारा है ना, अभी आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे क्योंकि अर्श भाई शायद शाम तक पहुंचेगा, पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पोनी नहीं उठा रहा हो, मैंने बोला ना ये बाइक चलाता है ना ऐसे बैठता हो, ऐसे हेडफोन लगाता है फिर चलता रहता है बस, कुछ पता नहीं फोन आ रहा है जा रहा है। तो अभी ना ये भी पत्नी टॉप ही है, पर यहाँ पे हमें रुकना है ना जी वाले सामने पहाड़ी दिख रही है ना, बस इसी के टॉप के ऊपर ही रुकना है, वो सारा आपको पता ही है, हर बार रुकते हैं ना वहाँ पे, एंड मेरे को अभी पता चला कि यहाँ पे ना वो नहीं, पहले भी शायद मैंने वीडियो में कवर करा है ऐसे भाई, वो दिख रही है ना केवल कार चल रही है भाई, नीचे से आती है कम से कम 5 किलोमीटर नीचे से आती है, मतलब गर्मी वाले एरिया से आती है और ठंडे वाले एरियाज में पहुंच जाती है, एंड नीचे वाली साइड जम्मू वाली साइड कुछ ऐसा नज़ारा है, मतलब जम्मू वाली साइड बोल रहा हूँ, जम्मू नहीं दिख रहा यहाँ से भाई, दिख रहा है, हाँ जी ये भी तो जम्मू ही है, नहीं बड़ा फर्क होता है, जम्मू सिटी बोल रहा हूँ मैं, जम्मू सिटी इस तरफ है, ठीक है भाई इंटरप्ट करे जा रहा है मुझे, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, धुआं धुआं देख के आपको पता चल रहा होगा कि भाई ठंडा वाला चिल्ड वाला मौसम है, और वो है कोई नत्था डा भाई अपना, जीतू और मैं ना प्रोग्राम बना रहे हैं, ओ भाई जीतू भाई और मैं प्रोग्राम बना रहे हैं, बाकी पता नहीं यार मैं देख के मन कर रहा भाई, ये सामने लगी है हमारी बाइक, चाय शाय हमने पी ली है, और हमने सोचा भाई क्यों ना आज मोमोज खाए जाएंगे, ओ इधर देख, ठीक है मैं तो मेरा नाम लेगा, नहीं तेरा नाम क्यों लेगा, दोनों खा रहे हैं, जीतू भाई खा रहा है, नहीं नहीं दोनों खा रहे हैं भाई, तो काफी टाइम के बाद खा रहे हैं ना, मैंने सोचा खा लेते हैं ना, अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हो फिर थोड़ा मोटे होंगे, अभी तुम्हें को बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, हाँ मतलब फिर शादी हो जाएगी, पतले वाला कोई चक्कर नहीं है जिंदगी, अरे यार मैं ऐसे मजाक करता हूँ, लो भाई पहुंच गए पत्नी टॉप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर, बस एक सेकंड भाई, बस अभी ना हमें 1-2 किलोमीटर मतलब एक जगह है यहाँ से, किलोमीटर तो नहीं होगी आधा किलोमीटर होगी, वहीं पे जाना है भाई, लोकल तो फ्री नहीं है बीर वे, एक गाड़ी दे, लो भाई नेशनल पार्क है शायद है, इसके अंदर इंटर हो चुके हैं, और भाई 20 रुपये फीस है, पर मैं पिछली बार आया था ना तब भी यही बंदा था, मतलब लोकल में बात करी तो भाई उसने बोला जा यार जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, पर इस बार मतलब आज ना सीज़न थोड़ा ज़्यादा गर्म है, अरे भाई आहिस्ता, मतलब आज ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ रखी है पूरी जम्मू से, तो इसलिए भाई फीस लेना तो बनता है यार, सफाई भी रख रहे हैं आखिरकार वो, तो अभी ना हम पहले इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो हम रास्ते में रुक सकते थे, मैंने सोचा यार चलो यार बैठते हैं ना, और अर्श भाई भी आ जाएगा जल्दी से खाना बनाना शुरू करेंगे, बट वो पता नहीं कब पहुंचेगा यार, ओ भाई क्या ठंडी है यार,
भाई बहुत ज्यादा क्राउड बोल दिया ना, इतना क्राउड हो चुका है यहाँ पे यार। अरे जाने दो, मुझे लग रहा है संडे की वजह से है क्योंकि इतना बेसिकली क्राउड होता नहीं है। और इस बार गर्मी भी भाई ताबड़तोड़ पड़ रही है। जीतू भाई तो मेरे दोस्त फाइनली पूरे 130 किलोमीटर सफर तय करने में ना दो दिन लग चुके हैं, दो दिन लग गए मतलब मैं ऐसे आया ना जीतू भाई एंजॉय करते करते एंड फाइनली पहुंच चुके हैं। जे वाली जगह ना थोड़ी आपको जानी पहचानी होगी, अगर आप ना काफ़ी टाइम से देख रहे हो ना वो नीचे वाला पेड़ ज़्यादा है ना, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बाइक वहीं पे बांधी हुई थी खुंडे से एंड भाई इस बार ना बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड है, नहीं तो इतने लोग ना टोटल मतलब दिखे नहीं मेरे को। तीन बार लगातार आ चुका ना, चौथी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। भाई किसकी कार है? सुपर कार। भाई देखा जाए ना आज मैंने लुंगी पहनी है ना, सारे मतलब अट्रैक्शन सा बन चुका हूँ, मतलब यूनिक सा बना हुआ ना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता था भाई, कुछ दिन पहले ना आपने न्यूज़ देखी होगी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी लाइन लगी हुई है, मतलब कहीं भी चले जाओगे ना वहाँ पर आपको ट्रैफिक ही दिखेगी, पुलिस तो नहीं दिखेगी, ट्रैफिक पुलिस बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी हिल स्टेशन बोलो इस टाइम, मसूरी से लेके मनाली शिमला कोई भी जगह बोलो, दार्जिलिंग जो भी मेरे को याद है ना, मतलब और भी बहुत सारे होंगे, हर जगह ना जाम ही लगा हुआ है। देखो भाई लोग क्या टाइम आ चुका है, कल तक ना हम गर्मी से बुरा हाल हो रहा था और अभी देखो हम धूप में बैठे हुए हैं, पीछे छाया है ठंडी वाली पर उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं कि थोड़ा ना शरीर गर्म हो जाए ना, मतलब टाइम छाव ढूंढ रहे थे आज धूप ढूंढ रहे हैं। टाइम टाइम की बात है, इंसान ना सेटिस्फाई नहीं होता है ना किसी भी चीज से। और यहाँ से कुछ ऐसा वाला नजारा भी चेकआउट कर रहे हैं भाई, कितना मस्त लग रहा है ना। तो ठीक है भाई, अभी ना 6 बजे हुए हैं, अभी हम खाना खाने के लिए आए थे क्योंकि एक बार वहाँ पे टेंट लगा दिया ना, यहाँ से कम 200 मीटर दूर होगा, फिर ना हम खाना खाने के लिए नहीं आ सकते, मतलब सिंगल बंदे को आना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा पहले पहले ना खाना खा लेते हैं, मतलब अभी 6 बजे हैं कैसे खाएं, तो इसलिए हम ना अभी टाइम पास कर रहे हैं कि 7 बजे खाना खा के ना फिर वापस जाएंगे, फिर टेंट सेटअप करेंगे एंड मैं से सो जाएंगे, सही है ना। वैसे हमने सोचा था आज मस्त वाली कुकिंग करते हैं बट आपको बताइए, कोई नहीं कल करेंगे, सही है ना। कल सुबह आ जाएगा। ओके चलो हम भी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेते हैं, अगर आप चैट करना चाहते हो हमसे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ चैट कर सकते हो, कोई सुझाव देने वाले हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो। तो भाई लोग देखते देखते ना पूरा 1 घंटा हमने वेट कर ही लिया, 1 घंटे से ज्यादा कर लिया, 7:30 हो चुके हैं, अब जाके खाना खा रहे हैं और भाई चलो रहने दो यार। एंड अभी हम खा रहे हैं भाई यहाँ पे ना आलू जीरा एंड दाल मखनी कुछ ऐसा ही है और तंदूरी वाली रोटी। वैसे कितनी बार रिपीट कर दिया कि आज भाई हम मस्त वाला खाना बनाने वाले थे बट यार कोई नहीं कल से है ना। ये तो भाई भाई यहाँ पे वो ठंडा मौसम है ना बहुत ज़्यादा चिल्ड वाला हो चुका है और मेरे पास ना एक ही चादर है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा मेरे साथ क्या हुआ सी।